हेलो गाइस, वेलकम टू पैरट गेमिंग। गाइस, आज का वीडियो रियल क्रिकेट 18 के बारे में है और इस वक्त आपके सामने रियल क्रिकेट 18 का होम स्क्रीन है। तो आज की वीडियो में आपको बताता चलूं कि रियल क्रिकेट 18 का जो नया अपडेट आ गया है, जुलाई में नया अपडेट एक्सपेक्टेड था रियल क्रिकेट 18 का, जो कोई बहुत बड़ा अपडेट आने वाला था। तो इसको दो पार्ट्स में जो है रिलीज़ किया जा रहा है। पहला जो अपडेट है वो रिलीज़ कर दिया गया और जो दूसरा है वो भी जुलाई के मंथ में एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी बड़ा अपडेट है। इसमें चार से पांच चीज़ें जो है नई ऐड की गई हैं। 135 के लगभग MB के लगभग का ये अपडेट है। तो इस लिहाज से काफ़ी बड़ा अपडेट है। ये चार पांच जो चीज़ें ऐड की गई उनके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो है वो अभी तक इसमें ऐड नहीं की गई। उसको जो नेक्स्ट अपडेट है जुलाई में आएगा इसी मंथ में, तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि टेस्ट मोड को जो है वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो गाइज, आज की जो वीडियो है इसमें जो अपडेट्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो इस गेम में किया गया है, वो टू न्यू ग्राउंड्स को ऐड किया गया है। तो ग्राउंड्स आपको बताता चलूँ, बल्कि दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा जो ग्राउंड है उसे ऐड किया गया। पहले आप जानते हैं कि सिर्फ दो ग्राउंड्स थे, मुंबई और लंदन, और अब जो है वो दो और ग्राउंड्स को ऐड किया गया है। मेलबर्न है और दूसरा केप टाउन है। एक ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड और एक साउथ अफ्रीका ग्राउंड जो है इसमें ऐड किया गया है। और इसके अलावा जो है पुणे जो ग्राउंड है वो कमिंग सून है। तो जो दो न्यू ग्राउंड्स ऐड किए गए हैं उनके बारे में आपको बताता चलूँ कि इनको 35,000 काइन से आप अनलॉक कर सकते हैं। तो अभी आप इनको अनलॉक नहीं कर सकते, मेरे पास काइन थोड़े हैं। तो जैसे ही आपके पास 35,000 काइंस होंगे तो आप इसे अनलॉक कर सकेंगे। तो गाइस, इसके अलावा जो दूसरी बड़ी जो चेंज है वो की गई है, वो एक टूर्नामेंट न्यू ऐड किया गया है। तो आपको टूर्नामेंट्स में लेकर जाता हूँ। तो आप इधर देख सकते हैं कि ट्राई सीरीज़ जो है वो इसे ऐड किया गया। इससे पहले जो ट्राई सीरीज़ है वो टूर्नामेंट्स में नहीं थी और अब इसे इस अपडेट में ऐड किया गया। तो इसके लिए आपको काइंस नहीं बल्कि रुपीज़ की ज़रूरत होगी और आप इसे 105 रुपीज़ से अनलॉक कर सकते हैं, तो अगर आप खेलना चाहें तो। इसके अलावा जो चीज़ें ऐड की गई हैं वो न्यू एनिमेशंस हैं। तो आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी जो न्यू एनिमेशंस हैं वो ऐड की गई हैं। सबसे पहले जो है वो डगआउट को ऐड किया गया, यानी कि आप मैच के दौरान जो टीम है, बैटिंग टीम है, बॉलिंग टीम, उन दोनों टीम्स का जो डगआउट है उसे देख सकेंगे। इसके अलावा जो चीज़ ऐड की गई है वो ड्रिंक ब्रेक्स हैं, यानी ये कोई भी किसी भी मैच के दरमियान जो है वो ड्रिंक ब्रेक्स को दिखाया जाएगा। तो उसके अलावा जो एक और चीज़ ऐड की गई है वो स्ट्रेटजिक टाइम आउट है। जैसे कि लीग मैचेस में आप जानते हैं कि स्ट्रेटजिक टाइम आउट जो है वो दिखाया जाता है, तो बिल्कुल ऐसा ही इधर है। मैच के दरमियान में जो है स्ट्रेटजिक टाइम आउट जो है उसे दिखाया जाएगा। तो ये गाइस चीज़ें सी जो नई ऐड की गई हैं। इसके अलावा जो है वो काफ़ी जो बग्स हैं उन्हें फिक्स किया गया। एक स्टम्पिंग बग्स था उसे भी ठीक किया गया, पहले से बहुत बेहतर है वो। तो यही चीज़ें थी गाइस इसमें चार पांच। इसके अलावा जो अगला बड़ा अपडेट आएगा उसमें टेस्ट क्रिकेट को ऐड किया जाएगा। तो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग अस। टेक केयर। बाय बाय।